दोस्तों, रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो वेटर एप्लीकेशन किस तरीके से सिंपल टेक्नोलॉजी में कनेक्ट कर सकता है, ऑफलाइन रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर है, वाईफाई के माध्यम से आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन कनेक्ट होती है दोस्तों, यानी वेटर एप्लीकेशन। यानी कितना भी टेबल आपका है, यानी फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स आके टेबल में बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल उनको बार बार ऑर्डर लेना है, समथिंग लाइक दैट। ये किस तरीके से कर सकता है, वेरी सिंपल वे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दो प्रिंटर भी दिखा रहा हूँ। ये जो है किचन में बैठता है प्रिंटर है, ये आपका कंप्यूटर के साथ जो काउंटर में बैठता है, ठीक है। जब भी वेटर ऑर्डर करता है सीधा किचन में प्रिंटर होना चाहिए, प्लस जो टेबल मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ मैनेज होना चाहिए। तो मैंने वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे वेटर को ऐड किया जाती है। वेटर एप्लीकेशन सेम एप्लीकेशन है, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं। यूजर आईडी कितना भी आपको अंदर से बना सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए इसके दो पैनल है एक्चुअली, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको सेल्स पैनल है सेल करने के लिए, उसमें टेबल मैनेजमेंट, टेबल बिलिंग, टेक अवे, फास्ट बिलिंग वगैरह सब कुछ है। और इसके एडमिन पैनल है आपको, जहां से आपको सारे यानी प्रोडक्ट्स वगैरह कंट्रोल होती है, जहां आपको वेटर को ऐड करने के लिए फैसिलिटी है। देखो इधर रजिस्ट्रेशन में जाइए, आपने वेटर को ऐड करने के लिए रजिस्ट्रेशन में चला जाना है। और यहाँ मैंने कुछ 8 बजे मतलब इसको रजिस्टर मतलब लॉग इन करके रखा हुआ है, एक नया वेटर को क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल कुछ नाम डाल दीजिए आपने, सुमो, SUMO, एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही नाम डाल दिया मैंने, वेटर करके डाल दिया। और पिन उसका डाल दिया 4545, एग्जाम्पल, ठीक है जी। और ये पिन आपने याद रख लेना, सुमो। और ईमेल आईडी आप फॉर एग्जाम्पल sumo@gmail.com, एग्जाम्पल, कोई भी मेल आईडी मतलब मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसमें दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन चीज, एक नेम, वेटर, एक पिन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने भूल जाना नहीं इसको। इसको सीधा सीधा सेव कर दिया दोस्तों, यहां पर भी आपको दिखाई दे तुरंत का तुरंत, सुमो बोल के आया है, यहां आया, यहां आया, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया और इसको मिनिमाइज कीजिए। ये जो सेल्स पैनल उठा के रखा है, इसमें कई सारे मेन्यूज वगैरह आपको दिखाई दे रहा है ना जी, देखिए। ओके और ये एडमिन पैनल से आपको रजिस्ट्रेशन में क्या किया था, 4545 सुमो। हमने मोबाइल एप्लीकेशन खोलते, आपने देखो एंड्रॉइड एप्लीकेशन, देखो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है मेरे पास, इसको खोल दिया तो इस तरीके से एक विंडो आती है दोस्तों, है ना। तो ये विंडो में हमने सबसे ऊपर लिखा है सुमो, SUMO, सुमो। और पिन नंबर क्या है, 4545, 4545, ठीक है जी। चाहिए तो एक बार देख भी सकता है आपको, जैसे लॉग इन करेगा ना, इसमें जितना भी मेनू है ऑटोमेटिकली आपका एंड्रॉइड में आ जाएंगे। 4545 लॉग इन करता हूं मैंने, इसमें जितना भी मेन्यू दिख रहा है ना जी आपको, एक टू सेट मेन्यू से आपको तुरंत का तुरंत जो वेटर को दिखाई देती है उसको देखो। इधर सबसे ऊपर आपको राइट साइड में जो लाइंस वगैरह देखना, तीन लाइन है, इसमें आपको सारे मेन मेन्यू दिखाई देती है। जैसा ये वाला जो मेन्यू है ना, ये मेन मेन्यू कहता है, लेफ्ट साइड में उसमें क्लिक करेगा उसका सब मेन्यू दिखाई देते, जैसे चपाती में कितने कितने आइटम्स है, जैसे बीवरेजेस में कितने आइटम्स है, बीवरेजेस, ठीक है। इसमें भी सेम सेम, आपने फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने क्लिक कर दिया, जैसे बीवरेजेस में क्लिक कर दिया, बीवरेजेस में कितना आइटम्स है देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 आइटम्स। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 आइटम्स है। और उसके नीचे का आपने देखिए फॉर एग्जाम्पल बर्गर, समथिंग लाइक दैट, बर्गर आपको इधर दिखाई देता ना, बर्गर, बर्गर में एक ही आइटम है, देखो बर्गर में एक ही आइटम्स है। और चपाती में कितना आइटम है, 4 आइटम। इधर हमने चपाती सेलेक्ट करते हैं, देखो इधर चपाती, सेम सेम लाइन में आपको यहाँ दिखाई देते हैं मेन्यू सारे, यहाँ कैसा है, सेम सेम। यानी आपको मतलब वेटर को कोई तरह कंफ्यूजन का सवाल नहीं पैदा होता है ना, इस तरीके से दिखाई देती है। तो हमने टेबल मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर में जो होम स्क्रीन का राइट साइड बॉटम में आपको टेबल बोल के दिखाई देती है आपको, जितने अभी लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं आपको, इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, यानी किसी ने बैठ करके खाना खा। जितना ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ खाली टेबल है दोस्तों, खाली, यानी कोई बैठा नहीं है, खाली। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कैसे पता चलेंगे उसको, उसके नीचे एक ऑप्शन है जी, सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट टेबल करने से इमीडिएटली आपको दिखाई देती है सेम डिटो, वहां क्या है, सेम सेम यहां दिखाई देते हैं दोस्तों, है ना। टेबल एग्जाम्पल टेबल 2 या टेबल 3, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टेबल सेलेक्ट करते हैं, हमने टेबल 5 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिलिंग कर रहा हूँ। यहाँ अभी देखो आपने कंप्यूटर में ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको,
मैंने एक बिलिंग करता हूं इसमें से, इसको क्लोज करते हैं, दिखा रहा हूं फिर भी वापस आपको, डोंट वरी। कौन सा टेबल आपको सेलेक्ट करने वाला, मैं आपको दोबारा दिख रहा हूं, T5, इधर भी T5 में मैंने डाल रहा हूं, ये वाला देखो यहां T5, आप देख लेना दोस्तों, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अभी करंटली आपने याद रख लेना, इसको ग्रीन कलर है, इसमें मैंने ऑर्डर लेता हूं तो लाल होना चाहिए इसमें कलर, ठीक है? देखिएगा, इसको क्लोज कर दिया। जैसे चलते काउंटर ऐसे चलने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई भी काम करो काउंटर में, नो प्रॉब्लम। वेटर टेबल में गया, T5 टेबल, टेबल नंबर 5 सेलेक्ट कर दिया, भाई क्या क्या चाहिए, जो जो मेन्यू सेलेक्ट करो आपने, बर्गर सेलेक्ट कर दिया, और कुछ चपाती में कुछ 3 4 आइटम सेलेक्ट कर दो जी, है ना, और डिशेस है ना 5, इधर देखो प्लेस द ऑर्डर क्लिक कर दिया, प्रोसीड। ये प्रिंट कहाँ आया जी, किचन में प्रिंट आया, ये प्रिंटर में प्रिंट नहीं आया दोस्तों, देखिए किचन में आपको प्रिंट आया दोस्तों, ये इस तरीके से KOT आपको प्रिंट हो गया एकदम ब्यूटीफुल तरीका में। कौन सी टेबल है, T5 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मेरे पेन किधर है, यस T5, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इधर देखिए राउंड किया मैंने, और टेबल नंबर 5 वापस मैंने कंप्यूटर में जाके देखा हूं, लाल कलर हो गया दोस्तों, ये देखिए 225 रुपीज का बिल इधर बन गया। तो इस तरीके से हर एक टेबल से ऑर्डर ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसी काउंटर को, इसी यानी वेटर दूसरा टेबल सेलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल T6, अभी T6 खाली है ना, मैं T6 से ऑर्डर लेता हूं इधर से, देखो कुछ आइटम्स मैंने सेलेक्ट कर रहा हूं, प्लेस द ऑर्डर एंड प्लेस द ऑर्डर प्रोसीड। T6 का ऑर्डर आया, देखिए ये टेबल नंबर 6 है ना, टेबल नंबर 6 का ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है ना, यस। तो इधर एक बार क्लोज करके ओपन करते हैं ना अपने, फॉर एग्जाम्पल टेबल्स T6 लाल कलर हो गया दोस्तों, मीन्स दैट पर्सन इज देयर, समबडी इज, कोई भी बैठ करके खाना खा रहे हो, ये वेटर ने ऑर्डर ले लिया उसका। तो कितना भी टेबल का ऑर्डर ले लो आपने, जिस तरीके से लॉग इन करो लॉग आउट करो, उसको फाइनल बिलिंग जिस तरीके से कर सकता है। और ये इसको मैंने बंद करके रखू ना, यानी इसको ऑफ कर देते हैं, इसको फाइनल बिलिंग जैसे कर सकता है। एग्जाम्पल देखो इधर बिलिंग बोल के ऑप्शन है, टेबल बिलिंग है ना, टेबल बिलिंग का जो ऑप्शन में आपने T6 मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यानी फॉर एग्जाम्पल इसको क्या नाम, इधर अमाउंट कितना है देखो, 400 रुपीज ला दीजिए, पेमेंट किया उन्होंने, और इधर सेव एंड प्रिंट, आपको इधर सेव एंड प्रिंट बटन क्लिक कर देना दोस्तों। सेव एंड प्रिंट बटन क्लिक करने से डू यू वांट टू प्रिंट, T6 यहां से हट जाएंगे उसके बाद, ये देखो फाइनल बिल आया हुआ है टेबल नंबर 6 का, टेबल नंबर 6 आपने याद रख लेना दोस्तों, टेबल नंबर 6 का फाइनल बिल आया हुआ है। और मैंने एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, इसको फिर दोबारा आ जाइए, इधर टेबल नंबर 6 बिलिंग हो गया ना, तो वहां ग्रीन हो गया दोस्तों, यानी पहले इधर रेड था ग्रीन हो गया। टेबल नंबर 5 का भी मैंने बिलिंग करके दिखा रहा हूँ, देखो टेबल नंबर 5 में जाइए आपने, और इसको कितना, टेबल नंबर 5 इधर टिक कर दीजिए आपने, इसको कितना 225 500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने दिया है, और सेव एंड प्रिंट, सेव एंड प्रिंट कर दीजिए, तो भी आपको फाइनल बिल आया दोस्तों, फाइनल बिल यहां से प्रिंट हो चुका है, देखिए टेबल नंबर 5 का, जो जो वेटर ने सबसे पहले वाला जो टेबल से ऑर्डर लिया था है ना, तो ये प्रिंट आ गया। तो उसके बाद फिर आपने टेबल में जाके देखेंगे ना, ये दोनों ग्रीन हो गया दोस्तों, मतलब दोनों वेकेट हो गया। हम एक बार अपना वेटर का एप्लीकेशन में भी एक बार देख लेंगे, वेटर का लॉगिन आईडी मैंने भूल गया एक्चुअली, यानी वेटर वेटर रजिस्ट्रेशन, यानी Sumo 4545, हमने एक बार फिर आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, SUMO, मैंने ऑटो सेव का ऑप्शन डाल देता हूँ उसको, फिर बार बार जो वेटर लॉगिन आईडी डालने की जरूरत नहीं, ठीक है, और उसको लॉगिन करते हैं, और इसमें किस तरीके से आया हुआ देख लेना, ये जो टेबल आपने देखो ध्यान से देख लेना दोस्तों, पहले आपको इसमें जो टेबल जब सेलेक्ट करते हैं तो देखो T5 T6 यानी वेकेंट हो गया, यानी उसमें खाली, यानी पहले हमने उसको ऑर्डर लिया था वो तो अभी मतलब लाल कलर में आया था, फिर दोबारा आपने देखो इधर भी इधर यहां पे भी आपको टेबल नंबर 5 खाली है। अगर दोबारा ऑर्डर लेती है यहां से, फॉर एग्जाम्पल टेबल नंबर 5 में और कोई ने बैठ गया है ना, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, टेबल नंबर 5 अभी ग्रीन दिख रहे ना आपको, तो प्लेस द ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर यानी प्लेस द ऑर्डर प्रोसीड, यहाँ KOT प्रिंट हो गया, ये दो किचन में प्रिंट आ गया, क्योंकि ये दो किचन का भी ऑप्शन है, दो KOT आया हुआ है, क्योंकि एक ही ऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल 4 5 आइटम्स है,
एक वेजिटेबल का किचन में है, एक नॉन वेज का किचन में है, तो दोनों अलग अलग टेबल होती है। दोबारा आपने टेबल्स एक बार इधर देखेंगे ना, टेबल्स देखिए टी फाइव ऑक्यूपेड हो गया। इवन इन आपको ये इसमें भी आपने देखेंगे ना, देखो टी फाइव लाल कलर में आ गया। तो जितनी भी वेटर को आपने इस तरीके से ऐड कर सकता है, हर एक वेटर आपने अपना बिलिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकता है, सारे फैसिलिटी है दोस्तों रेनटेक यानी रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है दोस्तों इसमें आपको, यानी केओटी यानी मेन बिलिंग और एंड्रॉइड एप्लीकेशन। एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको वॉइस वाईफाई का माध्यम से चलते हैं दोस्तों, और इसमें क्या ना आपको यानी ईसीएस वे में आपको कंट्रोल करने के लिए सारे फैसिलिटी है दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर ये जीएसटी एडिशन में अवेलेबल है, प्लस वैट एडिशन में भी ये सेम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दोस्तों। कॉल करिए दोस्तों हमको 8078311945 और 8608 8606093110। ठीक है जी, 8606093110 और 8078①1145 दोनों नंबर पे कॉल करिए दोस्तों। वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।